वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स। टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, यह सब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। जो स्टूडेंट रेगुलर फॉलो करते हैं मुझे, उनको तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अभी जो मैं पढ़ाऊँगा वो, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि साथ साथ कुछ जो बेस वाला चीज़ है ना, उसको भी मैं कवर करूं, क्लियर। तो अगर आप हमको फॉलो करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए। और आप नए स्टूडेंट हो जो पहली बार वीडियो को देख रहे हो, क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो उससे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और चैनल को ग्रो करवाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको x का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतार लेंगे, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब उतारने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूल अप्लाई करेंगे। रूल अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रूल है क्या। देखिए, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि a होता है, ठीक है, का पावर m होता है, फिर a होता है पावर n होता है। आप कुछ भी सेट कर सकते हो उस पर। इसको जो अगर हम तोड़ेंगे, मतलब इसको जो प्रोसेस करेंगे आगे, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि गुना में पावर जुड़ता है, दोनों का सकल सूरत मुँह का अनेक जैसा है। तो दो गो है तो एक को दे देंगे, गुना में पावर जुड़ता है तो एम एन को जुड़ेगा तो एम एन। अब यहाँ पर अगर गौर करोगे, इसको आपने तोड़ा या बनाया कुछ भी बोलो तो ये आया। इसको आप फिर करोगे ब्रेक डाउन तो ये आएगा। मान लो इस टाइप का है, पाँच है, सात है, जोड़ वाई है। अच्छा, इसको फिर आप अलग करोगे तो ये नहीं आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, फिर देखो दो पाँच है तो एक पाँच, गुना में पावर जुड़ता है सात, और वाई तो सात जोड़ वाई। मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको अगर आप बनाते हो तो ये रिजल्ट आता है, और इसको बनाते हो तो ये रिजल्ट आता है, यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, बराबर हो गया। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे बराबर का साइन लगा दो, चार दे दो। यहाँ पर चार एक जो एक्स है तो इसको आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर आप इसको तोड़ोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ का रूल होता है ना, नियम, कि कुछ भी करे फर्क ना पड़े। मैं हर एक वीडियो में ये बताता हूँ, मेरा फेवरेट डायलॉग है, ठीक है, मेरा ये फेवरेट डायलॉग है जो मैं हर एक विद्यार्थी को बोलता हूँ, ठीक है, हर एक विद्यार्थी को मैं बोलता हूँ, मेरा फेवरेट, ठीक है, क्लियर किया हुआ है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट डायलॉग है, ठीक है, कि कुछ भी करे फर्क ना पड़े, या सिंपल याद रखिएगा, ठीक है, मेरा डायलॉग फिर सिंपल में याद रखिएगा कि कुछ भी करे फर्क ना पड़े, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं तो क्या बता रहा था कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो वही है, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, एक है गुने चार का पावर एक्स, ठीक है, चार, फिर यहाँ पे एक, फिर इंटू दे के चार का पावर माइनस एक्स, ठीक है, बराबर दस। आप यहाँ पे जो रूल अप्लाई किए ये यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। आपने कौन सा रूल अप्लाई किया, आपने किया ए जो एम उल्टा किया, यानी कि ए जो एम था आपको पहले से, आपने इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट मतलब तोड़ दिया, ये रूल आपने इसको यहाँ पे लगाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है, ज़्यादातर के केस में क्या होता है, आपको इस टाइप का दिया रहता है ना, तब आप इसको ऐसे करके तोड़ते हो, ठीक है, मतलब ये दिया रहता है, मेरे कहने का मतलब इस टाइप का दिया रहता है, इस टाइप का दिया रहता है ना, इसमें कोई भी चीज़ सेटिंग करके, चाहे बट्टा वाला हो चाहे सब कुछ भी, उससे मतलब, तो आपको ये रूल अप्लाई करने का रहता है। लेकिन अभी क्या है, इस केस में ये दिया है ना, तो आपको इसको तोड़ के ये करना है। और जैसा कि मैं बताया, डायलॉग कुछ भी करे फर्क ना पड़े, तो अपने लोगों को उसे लेना देना क्या है, कि इसको तोड़ के ऊपर का आया, देखिए फर्क नहीं पड़े, कुछ भी करेंगे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी। जैसे कि मान लीजिए एक्स बराबर मान लीजिए पाँच है, ठीक है, कोई आके इधर सात जोड़ दिया तो इधर भी सात ही जोड़ दिया, तो अपने कट गया कर गया, तो एक्स बराबर पाँच आ गया। तो इसलिए मेरा डायलॉग है, कुछ भी करो फर्क ना पड़ो, मैथ का। अच्छा, अब देखिए इसको तोड़ के ऊपर का गया, फिर यहाँ पर बराबर दीजिए, चार का पावर एक तो चार हो गया, गुने चार का पावर एक्स हो गया, ठीक है, प्लस।
आप क्या करो, 4 का पावर x है तो इसको भी 4 का पावर x कर दो। आप बोलेगा सर यहाँ तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन नहीं ना है, 4 का पावर x है लेकिन 4 का पावर -x लगा है, तो आपको इसे करना है इसको एक जैसा, तो यहाँ भी 4 दे दो गुने। अब यहाँ पे एक रूल क्या है, 1 का पावर -1 है ना, तो ये हर जाए तो 1/a आता है, 5 का पावर -7 आता है, तो ये माइनस हर जाता है तो 1/5 का पावर 7 आ जाता है। तो वही प्रकार है, माइनस हटेगा तो 1 हो जाएगा, 4 का पावर x हो जाएगा। क्लियर, 10 ये हो गया। अच्छा क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब एक जैसा है 4 का पावर x है, यहाँ भी 4 का पावर x है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे लेट 4x। 4x बराबर हम कुछ मान सकते हैं, आप x छोड़ के कुछ मान सकते हो। अब बोलेंगे x छोड़ के कुछ मान सकते हो, मतलब आप x मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 1 या x का पावर यहाँ पे 2 मतलब कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली अगर x मानोगे तो x तो यहाँ भी है, तो आप खुद कंफ्यूज कर जाओगे, तो दूसरा गलत बात ही छोड़िए, ठीक है। तो इसलिए x नहीं मानोगे, आप कुछ दूसरा चीज़ मान लो, मतलब इसलिए कि 26 होता है उसमें से 1 हटा दो, कितना हो गया 25, यानी कि x को एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूड मतलब होता है बाहर, x को छोड़ के जो 25 को लेटर बचा ना, इसलिए 1 तो उसमें जो मानता हूँ मान लो, मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, ठीक है, y लेट कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए इसलिए आप एक चीज़ याद रखना कि आप कुछ भी करो ना तोड़ के ऊपर का आना चाहिए, ये हमेशा आप याद रखना, ठीक है। देखो मेन यही है कि मतलब तोड़ के ऊपर आना चाहिए, उसी को मैंने क्या किया, थोड़ा कॉमेडी टाइप का मिला दिया, शायरी टाइप का मैंने मिला दिया। क्या मिला दिया, शायरी टाइप का, कुछ भी करे फर्क ना पड़े, कुछ भी मतलब राइमिंग टाइप का कर दिया, कुछ भी करे फर्क न पड़े, ठीक है। लास्ट में क्या करे तो पड़े, मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया आप लोग के लिए, तो वही है। तो ये मैंने बनाया थोड़ा राइमिंग टाइप का, लेकिन मेरा जो मतलब निकला वो ये निकला कि आप कुछ भी करो ना तो आपको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप मेरे कहने का मतलब क्या, मैं ये चीज़ बार बार क्यों बोलता हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कितना स्टूडेंट क्या करते हैं, खाली बनाते रहते हैं, ठीक है, तो आप ये चेक नहीं करते हैं। अब देखो मैंने ये वाला बनाया तो इसको चेक किया तो ऊपर का गया, फिर मैंने ये अभी देखिए चेक करूँगा तो ऊपर का गया, देखिए ये दोनों तो यही है, पर 4 तो 4 है, इसको फिर तोड़ोगे तो ये आएगा। आप कैसे तोड़ोगे, जब आप 1/5 है तो इसको तोड़ के आप यहाँ पर उल्टा नहीं कर सकते हो, तो इसको रिवर्स मारोगे तो ये आएगा ना, इस टाइप का। तो वही मैं बार बार यही एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो है ना जल्दबाजी में बनाइए मत। अच्छा 4 है तो 4 है, गुना है तो गुना है, इसको आपने वाई माना तो वाई दे दिए, प्लस तो प्लस दे दिए, 4 है तो 4 दे दिए, अब 1 है तो 1 दे दिए, 4 का पावर x है तो वाई मान लिए, यहाँ से देख सा मारे हैं, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा आगे देखिए, आप जो इसको तोड़ोगे तो 4y हो गया, जोड़ नीचे में क्या 1 है, 4 को 1 से करेंगे तो 4/2 कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया, ये 10, ठीक है। अब यहाँ से आगे इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन टाइप का कीजिए, जोड़ मतलब नीचे में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला, कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे में 1 है। अब यहाँ पे फिर वही बुला रहे लोग, कुछ नहीं तो 1 है, 4y आपका था, देखिए 4y/1 दे दीजिए, 4y/1 तो बराबर 4y ना, वाह इसलिए, ठीक है। अच्छा दूने दे सकते तो दूध देंगे फर्क पड़ जाएगा, फिर तो ये नहीं आएगा, इसलिए y को 1 से किया तो y आया। अब देखिए 1 को कितना पढ़ेंगे, 5 आता है 5 बार, 1 को कितना पढ़ेंगे, 7 आएगा 7 बार, तो 1 को कितना पढ़ेंगे, y आएगा y बार, ओ y को 4y से गुना कीजिए। अच्छा ये बोला y को गुना कीजिए 4y से, तो आप क्या करो, अंक को एक जगह कर दो जहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है, तो बात तो बराबर हुआ ना, वाई वाला को एक जगह कर दो, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 गुना में पापड़ जुड़ता है तो वाई कितना हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अच्छा तो यहाँ पे क्या देंगे, 4y² जोर वाई मिल गया, वाई को कितना पड़ेगा, वाई आएगा 1 बार, अरे 5 को कितना पड़ेंगे 5 आएगा 1 बार, 7 को कितना पड़ेंगे 7 आएगा 1 बार, 8 को कितना पड़ेंगे 8 आएगा 1 बार, तो वाई को कितना पड़ेंगे, वाई आएगा 1 बार, उसी 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 नहीं होगा, बराबर कितना, 10। अब मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जहाँ पे दिमाग नहीं ना चले, ठीक है, तो वहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, मैं बताता हूँ, जहाँ पे दिमाग ना चले वहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों में कॉमन भी ले सकते हो, तो मैं बाद में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी दोनों को 4 से कॉमन भी ले सकते हो, मैं बाद में ले लूँगा, ये 1 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या करो, लिख दो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी मीडियम वाला रहेगा तो क्या लिखेगा, वर्ज गुणन करने पर बाय क्रॉस मल्टीप्ली बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको भी 1 से गुना करेगा,
अब यहाँ भी एक लगा सकते हो, कोई दोनों साइड एक ही बात हुआ ना, आप या तो ऐसे करके एक इधर लगा दो या तो ऐसे करके इधर लगा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। देखो द्वितीया तीन तो छः कितना होगा, छः होगा होगा तो तीन दुना छः तो बारह थोड़ी होगा, छो ही नहीं होगा, इसलिए तो कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर देखो वाई गुने दस लिखो या दस गुने वाई लिखो, आप अपना प्रॉब्लम है, दस गुने वाई अच्छा हो गया, कुछ भी लिखे फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर इसको एक से किया तो कितना आ गया, चार वाई स्क्वायर जोड़ जा, दुनिया को कोई दुनिया के कोई भी नंबर को एक से गुना करते तो वो खुद होता है, इटसेल्फ होता है, इसलिए ठीक है। यहाँ पे क्या दे देंगे, दस वाई दे देंगे। फिर बराबर चार वाई स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे ऐसे कर दो, चार दे दो प्लस इधर गया तो माइनस चार वाई, दस वाई दे दो। फिर देखो चार वाई स्क्वायर प्लस तो प्लस, चार तो चार, प्लस बराबर किधर चला गया तो माइनस, माइनस बराबर किधर जाता तो प्लस, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे क्या आपने ट्रांसपोजिशन या शिफ्टिंग, स्थानांतरण या पंचांतरण, दायां से बायां बायां से दायां जाता है तो साइन बदलता है ना, तो वो है, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। अच्छा अभी बना नहीं है, अभी और है आगे, यहाँ तक पहले आप एक बार देख लो, ठीक है, अच्छा से, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, पहले आप मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये उतार लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड मैं यहाँ पे देखिए उतार लेता हूँ पीछे से, ठीक है। चार वाई स्क्वायर अच्छा से उतार लेता हूँ, ठीक है। ये तो ये बराबर आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। देखिए एक रूल को फॉलो करो, ये लिखो तो यही लिखो, अरे तो ये लिखो तो यही लिखो, ऐसे करके, ठीक है। चार वाई स्क्वायर, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हो गया। अच्छा लेकिन आप अपने लोग यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक कर दिए, क्या कर दिए, आप प्लस को बराबर के इधर किए तो जीरो नहीं दिए, तो बराबर में क्या देंगे, जीरो देंगे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या ये तो हो गया, यहाँ पे भी अपने लोग क्या देना पड़ेगा, अपने लोग को बराबर जीरो देना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पे आप अगर गौर से देखिएगा इसके आगे क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप अच्छे से क्वारिलेट देखिए, कुछ भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेस का नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। हल्का फल्का आपको बेस का नॉलेज रहना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, आपको बेसिक चीज़ पते नहीं है, ठीक है, तो फिर तो गड़बड़ वाला बात हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए बेसिक थोड़ा बहुत। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आपको दिमाग चलना चाहिए, यहाँ से दिमाग चलने का मतलब क्या है कि नाइन्थ में भी दिया है, एट्थ में भी दिया है और टेंथ में तो दिया ही है, ठीक है। यहाँ से आगे फैक्टर आपको करना है, ठीक है। फैक्टर क्या होता है कि देखिए दो है ना तो इसका दो मान निकलेगा, पावर दो है ना, पहले बोला मैंने स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर में दो है तो इसका पावर दो निकलेगा, मतलब इसका मान वैल्यू जो होगा ना दो निकलेगा, वो जो दो वैल्यू इसमें पुट करेंगे भरेंगे तो हमें ये बराबर में जीरो दे देगा, बाकी दुनिया का कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वो हमें जीरो नहीं देगा, इसलिए उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पे पावर एक रहता तो एक वैल्यू निकलता, वो पढ़ते हैं लोग सातवां समय में आठवां समय में लीनियर इक्वेशन बोलते हैं उसको, यहाँ पे पावर तीन रहता तीन को वैल्यू निकलता इस हिसाब से। अब ये किसके जैसा लग रहा है देखने में, ये इसके जैसा लग रहा है देखने में, ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी, और यहाँ पे ए इजक्ल टू नोट जीरो, ए इजक्ल टू जीरो नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है, ये वाला रूल क्यों अप्लाई हो गया यहाँ पे, कि ये तो ठीक है फॉर्म है, किसका फॉर्म है, ये जो है ना फॉर्म ऑफ पी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन या इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, लेकिन वेयर जहाँ ए इजक्ल टू नोट जीरो, क्यों ये ए इजक्ल टू नोट जीरो, ये सब मैं बता चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइए, टेंथ का जो जो वीडियो है, जो जो टॉपिक है, वो सब आप देखिए, बहुत आपको मजा आएगा, ठीक है, और लोगों को भी शेयर कीजिए। अच्छा मैं उतना डिफाइन करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप का है, अभी इसको दो तरीका से बनाते हैं, एक बनाते हैं फैक्टर मेथड से, ठीक है, एक बनाते हैं फैक्टर मेथड से, एक बनाते हैं कंप्लीटिंग मेथड से, एक बनाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि सूत्रधार चार्ज मेथड से, इस तरीके से डी बराबर बी एस का बने फोर से, इस हिसाब से बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला तरीका, ये सब तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा अलग से, फिलहाल मैं इस तरीका से बनाता हूँ, ठीक है, ससा सुविधा। अच्छा कोई भी तरीका आप अप्लाई कीजिए, आपको यहाँ से आगे मतलब तोड़ना है, इसका कोई भी वैल्यू निकालना है, जो इसमें पुट करेंगे जीरो आएगा। अब आप जो भी तरीका से तोड़े आपका प्रॉब्लम है, हम अभी एक बताता हूँ, अगर आप लोगों को इच्छा है कि मैं अदर तरीका भी बता दूँ अच्छा से तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर, क्या है 9708897088454 97 जीरो 88 45 466। तो मैं रिप्लाई करूँगा और मैं आपको पक्का से पक्का वीडियो बना के दूंगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो तो इसको सजा दो, पहले क्या था,
पहले क्या था, ए था, बी था, सी था, इस हिसाब से था, तो इसको इधर को, इसी तो लास्ट में है तो चार को लास्ट में कर दो, इसको सजा दो, यानी कि इस हिसाब से कर दो, इसको इधर कर दो, अच्छा इसको इधर कर दो, सजा दिया। कैसे सजा दिया, इस फॉर्म में मैंने ला दिया इसको, इस फॉर्म में मैंने ला दिया, ठीक है, इस फॉर्म में मैंने ला दिया, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखो, यहाँ से आ गया, बना दो फैक्टर, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको से गुना करके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ से आगे बना सकते हो। लेकिन आपको देखिए, आप जानबूझ के भारी क्यों बनाइएगा सवाल को, कॉम्प्लेक्स क्यों बनाइएगा, जबकि इजी वे में बन जाएगा। तो इजी वे में क्या है, इसका आप कॉमन ले लीजिए तो आप ही को आसानी होगा, क्योंकि दूसरा तो आपको हेल्प करने वाला नहीं है, आप अपने आप को हेल्प करोगे तो थोड़ा अच्छा से इसको इजी बना लो। इजी बनाने के लिए क्या करिएगा, तीनों में कॉमन निकालिएगा। अभी कॉमन कैसे निकाला जाता है तो वो देखिए, कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए तीन टर्म है, चार वाई स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दो गुने दो वाई गुने वाई, कॉमन फैक्टर यानी कि एस सी एफ महत्तम, ठीक है, दस वाई है तो दस वाई को कैसे लिख सकते हैं, दो गुने पाँच गुने वाई लिख सकते हैं, चार है तो चार को कैसे लिख सकते हैं, दो गुने दो। अब ये कॉमन जो फैक्टर निकालेंगे, सी एफ कॉमन फैक्टर, उभय नहीं सार गुणनखंड, तो दो इसमें भी मिला, दो इसमें भी मिला, दो इसमें भी मिला, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, दो लिख देंगे, और कुछ मिला है, और कुछ नहीं मिला, तो दो हो गया इसका कॉमन फैक्टर, क्या हो गया इसका कॉमन फैक्टर, दो हो गया, दो ही ना है, हाँ इसका कॉमन फैक्टर कितना हो गया, दो हो गया, तो दो दे देंगे, दो मिला ना, दो इसमें से भी आ गया। देखो चार है तो ये तुमको दो रुपया दे देगा, दस है ये भी तुमको दो रुपया दे देगा, चार है ये भी दो रुपया दे देगा, तो इसको बोलते कॉमन फैक्टर। फिर यहाँ पे ऐसे करके वो डिब्बा लगा देंगे, कोई भी डिब्बा, कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए, आपका मर्जी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मान लो ये 21 है, आपको एगो डिजिट दे दिया है बच्चा वाला सवाल से, ठीक है, अब इसको ऐसे करके दे दिया है, तो आप यहाँ पे क्या भरोगे, आप तुरंत दिमाग लगाओ, तुरंत साथ दे दोगे क्योंकि ईजी है। तो कैसे किया आपने, आपने 21 को क्या रखा ऊपर और 3 को क्या रखा नीचे, यानी कि आपने ऐसे करके डिवाइड दिया तो आपको 7 आया, काट भी सकती हो तो 7 आया, यहाँ पे 7 रखा, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे फोटो स्टेट कर दो, यहाँ पे फोटो स्टेट कर दो, 4 बाय स्क्वायर है, यानी कि डिटो कॉपी कर दो, 4 बाय स्क्वायर है, आपको 2 दे दिया है, आप यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे, तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर रखोगे, अच्छा इसको क्या रखोगे, नीचे रखोगे, इसको फिर तोड़ोगे, 2 तो 2 एक आंध, 2 तो ना 4, तो 2 बाय स्क्वायर, ठीक है, 2 वाई स्क्वायर दे दोगे, अच्छा फिर माइनस है तो यहीं पे माइनस दे दोगे, फिर वही डायलॉग, वही डायलॉग, इसको ऊपर दे दोगे, ठीक है, इसको क्या दे दोगे, नीचे दे दोगे, नीचे दे दोगे, कुछ नहीं तो गुना है, दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता, गुना रहता है, कर गया कर गया, 5 तो कितना हो गया, 5 वाई हो गया, 5 वाई, 5 वाई है, 5 वाई, फिर आप क्या दे दोगे, 5 वाई, अच्छा फिर प्लस है तो प्लस दे दोगे, 4 4, ठीक है, ये नीचे दे दीजिए, कट गया कट गया, 2 2। अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सागर सर का यानी कि मेरा डायलॉग याद कीजिए, क्या वही जो मेरा फेवरेट डायलॉग है, रैमिंग वाला, मैथमेटिक्स का रूल होता है, रूल क्या होता है मैथमेटिक्स का, वही बोले मेरे साथ, कुछ भी करे फर्क ना पड़े, कुछ भी करे फर्क ना पड़े। अब आगे बनाने से पहले सावधान, सावधान, सावधान हो जाइएगा, ठीक है, आगे बनाने से। अब यहाँ पे तोड़िए, अगर फर्क पड़ गया तब तो आपका सवाल पूरा का पूरा गलत हो गया, नहीं फर्क पड़ा तभी आप आगे बढ़िएगा। देखिए तो तोड़िए, प्लस प्लस प्लस, 2 को 2 वाई स्क्वायर से करेंगे तो 4 वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 2 को 5 वाई से करेंगे तो 10 वाई, प्लस प्लस प्लस, 2 को 2 से करेंगे तो 4 बराबर, हाँ एकदम सही है, एकदम क्या है, एकदम सही है, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब ये जो इतना जो है ना, इसको एक्स वाई या कुछ मान लीजिए, ठीक है, आप अगर गौर करो 2 है, ठीक है, और ये इतना जो है, ठीक है, ये एक्स है, गुना है, यहाँ पे गुना भी है, ठीक है, बराबर 0, तो एक्स का मान निकालते हैं तो क्या होता है, 0 ऊपर में 2 नीचा में कर करके 0 आता है, इस हिसाब से होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार, उसी प्रकार यहाँ पे क्या करो, आपने क्या किया, इसको एक्स माना था, तो इसका जो वैल्यू निकालोगे इस टाइप का, इसका जो वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस जो ये जो हाथ में रहता है, राइट हैंड में रहता है, दाया हाथ में, इसको ऊपर कर दो, देखो किया ना अभी, अभी किया, देखो यहाँ पे किया ना, ये सबको अभी 2 माना था ना, ये जो है यहाँ पे, ये जो ये 2 है यहाँ पे गुना था, ये सबको x माना बराबर 0, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 ऊपर में, ऐसे करके पढ़ते हैं ना बचपन से, 10 निकालते हैं तो x का मान निकालते हैं, तो 10 ऊपर में जाता, 5 नीचे आम जाता, कट गया, 2 आंसर होता है, इस हिसाब से होता है ना, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, ये 2 क्या दे देंगे, नीचे दे देंगे, अच्छा अब यहाँ पे देखो बराबर दे देंगे, 2 बाय स्क्वायर घटे 5 वाई जोड़ दूँ, और 0 में कोई भी संख्या से भाग करते थे, 0 भी होता है।
अब यहाँ पे आसान बन गया। अब यहाँ से आपका अपना मर्जी है, जो बनाइए, जो बनाता हो बनाइए, ठीक है। तो मैं अभी क्या बताता हूँ, फैक्टर मेथड बताता हूँ। देखो फैक्टर मेथड क्या होता है कि तीन गो पद है एक, लेकिन याद रखिए इसके जैसा सकल सूरत लगना चाहिए, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ जाएगा। इस हिसाब से आपको ये फॉर्म याद रखना है, दिमाग में छाप लो, ये फॉर्म याद रखना है, इसका टू नोट जीरो, ये फॉर्म। तो इसके जैसा मिला है तभी आप सोचो फैक्टर करने का, ठीक है, नहीं तो मत सोचो, ठीक है। अभी जो मैं बताऊँगा स्प्लिटिंग मेथड बताऊँगा। तो क्या होता है फैक्टर में, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है करो, तो कितना हो गया, चार हो गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आपको ये रफ़ वर्क हुआ, ठीक है, ये आपको बनाना नहीं, रफ़ हुआ, ये रफ़ वर्क हुआ। अच्छा तो चार होता है, चार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चार को दो जगह, इस चार को दो जगह ऐसे बांटते हैं कि, अब यहाँ पर सुनिए, चार को दो जगह ऐसे बांटते हैं कि जोड़ है तो जोड़ने पर पाँच आना चाहिए, और गुना करने पर जो इसको गुना करेंगे वो आना चाहिए। बात समझे, चार आया ना। ये तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं जो नहीं हुए सुने तो उसको थोड़ा बता देता हूँ। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो चार आया, उसको दो जगह बांटेंगे कि जो रहता है जोड़ने पर पाँच आना चाहिए, ठीक है। तो राज जो छुपा रहता है ना, इसी में छुपा होता है, इसी को एलसीएम कीजिए और यहाँ पर रुक जाइए, सोचिए। तो क्या होगा, चार एक चार तो हुआ ना, चार और कितना हो गया, चार और एक आ गया, चार और एक आया, जोर है यहाँ पर, क्या है जोड़ है, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, पाँच आना चाहिए। तो देखिए तो चार एक पाँच, गुना करने पर क्या आना चाहिए, गुना करने पर वही आना चाहिए जो इस दोनों को गुना करने पर आया था। देखिए चार एक को गुना करेंगे तो चार आएगा, यानी कि देखो चार था, चार और एक को गुना, चार एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच हो गया। जो रहा है जोड़ने पर पाँच आना चाहिए, देखिए चार एक पाँच हुआ। फिर देखो गुना करो, चार को एक से गुना करेंगे तो कितना हो गया, चार हो गया। फिर दो दुना कितना हो गया, चार हो गया। इस हिसाब से देखो मैं फिर से बताता हूँ अच्छा से। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कर लिया तो दो दोनों चार हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा अगला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप हो गया खत्म, इसको काट दीजिए। अगला स्टेप क्या है कि उस जो चार, इसको इसको गुना करने पर जो आएगा उसको दो जगह स्प्लिट करना है, दो जगह तोड़ना है कि जो रहे तो जोड़ने पर पाँच आना चाहिए, घटाओ रहता तो यानी कि माइनस रहता, माइनस करने पर पाँच आता, ठीक है। देखिए आया ना चार एक पाँच, दो जगह तोड़े ना, चार एक को ना तोड़े, दो जगह तोड़े हैं, पाँच को थोड़ी तोड़ दिए, या इस दोनों को गुना करेंगे ना उसी को दो जगह तोड़ना है, तो ठीक है। तो चार है तो चार एक को दो जगह तोड़े, अच्छा तो चार एक पाँच हुआ। फिर गुना करने पर इस दोनों को गुना करें वो आना चाहिए, इस दोनों को जो गुना करें वो आना चाहिए, तो आया चार एक पाँच और चार एक पाँच। डिजिट सब अंकने की अलग नहीं चाहिए, चार एक को जोड़ने पर भी आना चाहिए, चार एक को गुना करने पर आना चाहिए, यहाँ पे आ गया। अच्छा तो यहाँ पे उतार दीजिएगा, पहले लिखिएगा बड़का भाई, यानी कि बिग ब्रदर, मतलब मेरे कहने का मतलब है, आप प्रथम स्थान तो बड़े भाई को दीजिएगा। तो भाई कहने का मतलब हुआ कि पहले आप क्या लिखिएगा, पहले आप क्या लिखिएगा, बड़ा अंक लिखिएगा, बड़ा वाला को पहले लिखा जाता है, आप ऐसे समझो ना, रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसे समझो, ठीक है। चार हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पाँच हुआ, एक हुआ है, एक था ना यहाँ पे, तो एक हुआ है, ठीक है। अब भी प्लस दो बराबर जोड़ो। अब आप क्या कीजिएगा, जल्दी जल्दी बनाने लीजिए, नहीं मैंने आपको बार बार बताया, कुछ भी करे समझ गए आगे फर्क न पड़े, तो वही अब यहाँ पे तोड़ो, यहाँ पे तोड़ो। आपको क्या बोला था, जोड़ है तो जोड़ने पर पाँच आना चाहिए, देखिए आया माइनस, दो तीन चीज़ यहाँ से मिला लिया जाता है, कहने का मतलब यहाँ पे मैंने इन्हें आगे ऐसे करके अब आगे बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं कि करते हैं, पहले मिलाइए, जोड़ने पर पाँच आना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो चार एक पाँच, चलिए ठीक है, प्लस ही मिल गया। अच्छा सेकेंड चीज़, दोनों में से बड़ा कौन है, चार है, चार का चिन्ह क्या है, माइनस है, देखिए यहाँ भी माइनस है, ठीक है, ये भी मिल गया सेकेंड चीज़ भी। ओके क्या होता है, दोनों में से बड़ा जो, दोनों में से जो बड़ा रहता है ना, वैल्यू वाला बड़ा, ठीक है, तो उसका जो साइन जो होता है ना वो इसके साथ मैच करना चाहिए। अगर मान लीजिए, सपोज ऐसा है नहीं, लेकिन आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि दोनों में से बड़ा ही चार है, तो चार का चिन्ह का जो रहता तो यहाँ भी जो रहता इस हिसाब से, ठीक है। इस दोनों में जो बड़ा रहेगा ना तो उसका जो साइन होगा ना वो बीच के साइन से मैच करना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत है। थर्ड चीज़ देखिए, दूसरा तो गया, तीसरा चीज़ देखिए, तीसरा चीज़ क्या है, गुना करिए, चार एक गुना, तो देखिए इस दोनों को गुना के हुआ, सब सही है। अब इसको काट दीजिए, अब मेन जो हो गया टेंशन वो खत्म हो गया, ये आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस देखो ये जो है ना, इस पास से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं बार बार ऐसे करता तो डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए मैंने साइड से कर दिया, समझिए यहाँ पे मैंने हाथ रख दिया, इसे आपको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अब देखिए फिर वही डायलॉग, चार को एक दो तीन चार, दो दो करके जोड़ा लगाइए, कॉमन फैक्टर निकालिए, दोनों में क्या मिलेगा, दोनों में क्या मिलेगा, दो मिलेगा, ठीक है।
ठीक है, फिर वाई स्क्वायर, इसमें भी वाई स्क्वायर, इसमें भी वाई, अभी मैंने तुरंत बताया ना कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ऊपर में बताया ना, तो वही है डिटो, वही का वही है, दोनों में ये हो गया। फिर वही वाला डायलॉग यहाँ पे क्या देंगे कि ये बना जाएगा तो इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचा करेंगे, अभी मैं तुरंत बताया, तो वाई दे देंगे माइनस, इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचा कर देंगे तो कट जाएगा, तो वाई दो दे देंगे। फिर अब यहाँ पर दो स्टेप करो, दोनों का कॉमन फैक्टर करो, नहीं है कॉमन फैक्टर तो एक एक लगेगा, देखो कॉमन फैक्टर नहीं ना निकले, देखो y को आप कैसे लिख सकते हो, कुछ को नहीं लिख सकते हो, तो y को एक तो लिख ही सकते हो, दो को क्या लिख सकते हो, दो गुण एक लिख सकते हो, तो कुछ नहीं हुआ, तो मतलब जिसका मालिक कुछ नहीं तो उसका मालिक एक, सबका मालिक एक, ठीक है, तो वही है एक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या क्या डाल दो, एक डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला उतार दो, अच्छा बराबर जीरो, ठीक है। और यहाँ पे आप चीटिंग भी कर सकते हो, चीटिंग करने का मतलब ये वाला सेम रहता है, ठीक है, आपको पता है ये वाला और ये वाला सेम रहता है, अगर नहीं रहा सेम तो आपको करना पड़ेगा, तो केस होता है ये सेम होगा, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं रहेगा तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा, या तो आपको करना पड़ेगा या तो आपने कहीं ना कहीं गलती किया है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखिए, फिर आगे मत बढ़िए, फिर वही डायलॉग याद कीजिए, कुछ भी करे फर्क ना पड़े, फिर तोड़िए आप इसको, ऊपर गया गया तभी आप आगे बढ़िए, नहीं तो नहीं, तो प्लस 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 टू वाई को वाई से किए तो टू वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस टू वाई को टू से किए तो फोर वाई, माइनस प्लस माइनस एक को वाई से किए तो एक वाई, यानी कि वाई बड़ा एक एक वाई लिखे वाई लिखे एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस एक को दो से किए तो दो, ठीक है, अच्छा। फिर यहाँ पे दो चीज़ हुआ, ये बोला और ये बोला, फिर दोनों में कॉमन निकालेंगे, फिर दोनों में कॉमन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कॉमन, देखो कैसे निकालेंगे कॉमन, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए कैसे निकालेंगे कॉमन, टू वाई हो गया वाई, उसमें पेज नहीं तो मतलब जगह नहीं था, या इसको कैसे लिख सकते, दो गुना हुआ है यहाँ पे, फिर गुना वाई घटे दो, अच्छा फिर एक, फिर वाई माइनस टू, यहाँ पर क्या हो गया एक गुना वाई माइनस टू, अच्छा ये और ये मिला तो कॉमन फैक्टर एस सी एफ क्या हो गया वाई माइनस टू, तो ठीक है, तो यानी कि ये दो टर्म हुआ, दो पद हुआ, एक गुना में होता है ना तो एक पद होता है, ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ और ये दो पद हुआ, कैसे मैंने पता कर लिया, एक पद दो पद मैंने कैसे पता कर लिया, क्या होता है जोर घटो से पता चलता है, जोर घटो जो होता है ना झगड़ालू होता है, दीवार खड़ा कर देता है, ठीक है, तो उससे पता चलता है ये तेरा घर ये मेरा घर, लेकिन गुना जो होता है ना सलाह करवाता है, तो गुना में कैसे कितना भी लिख देंगे, तो ये एक पद हुआ, एक पद एक टर्म हुआ, लेकिन अगर बीच में कोई आके इसे करके माइनस दे देगा तो दो टर्म हो गया, इधर तो ये एक हो गया, इधर ये दो हो गया, इस हिसाब से, यानी कि जोर घटो क्या करता है झगड़ा लगाता है, गुना जो होता है ना वो सलाह करवाता है, अच्छा, तो यानी कि दो टर्म एकदम दो टर्म, दोनों में कॉमन क्या मिला, अभी मैंने करके दिखाया वाई माइनस टू। फिर यहाँ पे वही डायलॉग, इसको क्या करो ऊपर न्यूमरेटर में ऊपर करो, इसको नीचे करो, तो आप गौर करोगे, अभी काटना नहीं आपको समझाने के लिए, ये वाला क्या हो गया कट गया, तो ये बचा ना तो ये यहाँ पे दीजिए, अच्छा फिर इसको ऊपर इसको नीचे, ये दोनों कट गया तो ये आ गया। फिर यहाँ पे वही डायलॉग याद कीजिए, कुछ भी करे फर्क ना पड़े, तोड़िए आप इसको, इसको आप इसको अगर आप देखो आप आपको करना नहीं है घसना नहीं, हम समझाने के लिए करें, इसको इससे गुना करो हल्के राइटिंग में करने, तो इसको इससे गुना करते तो कि ये वाला आ गया पूरा प्लस और माइनस माइनस, फिर इसको इससे गुना करके तो ये आ गया, अच्छा अब यहाँ पे ऐसे करके दे दो। अब यहाँ पे क्या करो कंपेयर करो, ये बराबर जीरो हो गया, अच्छा तो इसलिए क्या हो गया वाई बराबर दो। फिर देखो चूँकि टू वाई शिफ्टिंग किया ना, माइनस उधर चला गया बराबर के तो प्लस, प्लस रहेगा उधर उधर चला गया तो माइनस, ये एक हो गया बराबर कितना हो गया जीरो, ठीक है, तो बराबर टू वाई, टू वाई बराबर माइनस एक चला गया तो क्या हो गया इधर प्लस एक, अब बोलेगा जीरो का क्या हो गया, देखो देखो क्या होता है कि इस हिसाब से टू वाई माइनस एक बराबर जीरो था ना, तो टू वाई माइनस बराबर दे दो जीरो, माइनस इधर गया तो एक, तो क्या होता है कि जीरो को कोई भी संख्या से जोड़ते तो एक ही वही चीज़ होता है, मतलब मेरे कहने का मतलब टू वाई बराबर माइनस इधर गया तो फिर जीरो, ये तो जीरो देवे करेंगे, माइनस बराबर इधर चला गया तो एक, तो टू वाई, जीरो को कोई भी संख्या से जोड़ते हैं तो वो जो संख्या जीरो तो बिला जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है, वही संख्या बन जाता है, जैसे जीरो को करोड़ में जोड़ेंगे तो करोड़ होगा, जीरो को 500 से जोड़ेंगे तो 500 होगा, तो जीरो को 1 से जोड़ेंगे तो एक हुआ, इसलिए ये सब अपने लोग नहीं देते, डायरेक्ट ये लाइन को स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट ये नहीं बनाते हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, एक को कोई भी चीज़ से जोड़ेंगे तो वही ना होगा, मतलब मेरा थोड़ा टंग स्लिप कर गया, एक को जीरो से जोड़ेंगे तो जीरो होगा, पाँच को जीरो से जोड़ेंगे मतलब कोई भी चीज़ को, देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ लीजिए, यानी कि मान लीजिए कोई भी चीज़ लीजिए वाट, एक्स मान लो छोटा था, एक्स को जीरो से जोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स होगा, इसका तो मानता नहीं होता है, इसलिए ये नहीं लिखते, इसलिए ये स्टेप नहीं दिए, अच्छा अब यहाँ पे देखो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो एक ऊपर चला गया ये दो नीचे आ गया,
अच्छा कोई दिक्कत। अब देखो वाई का मान जो दो हो गया, इस ये दोनों को बोलते हैं जीरोज या शून्यक या मूल, मतलब जीरोज रूट बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होता है? दो रूट होता है। रूट मतलब एक तरीका से जीरोज, जीरोज मतलब मूल, मूल मतलब शून्यक। अब दोनों की कोशिश करने की कोशिश क्या कर रहा है, ये दो जो है ना आप ये वाला जो वैल्यू आया दो और एक बटा दो, इसको आप वाई के जगह पर भरोगे ना तो आपको जीरो देगा, यही होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। ठीक है, जीरोज बोलते हैं हिंदी मीडियम में, मूल बोलते हैं, शून्य को बोलते हैं। ठीक है, इस हिसाब से तो इस ऊपर में दो है तो दो शून्य निकला, देखिए दो शून्य निकला, एक शून्य और ये दो शून्य। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला मान इसमें भरेंगे तो आपको जीरो देगा, फिर ये वाला मान आप इसमें भरेंगे तो जीरो देगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, आपको आप यहाँ पे आप अगर गौर कीजिएगा, आपको किसका मान कहता था निकालने के लिए, आप देखिए आपको क्वेश्चन में किसका मान कहता था निकालने के लिए, देखिए क्या है यहाँ पे, एक्स का मान कहता था निकालने के लिए, तो है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का मान कहता था निकालने के लिए, लेकिन आपने किसका मान निकाल दिया, वाई का मान निकाल दिया। आपने किसका मान निकाल दिया, वाई का मान निकाल दिया, तो आपको तो इसमें तथम तो मिलेगा नहीं। आपको हमने बोला बाजार से, हमने बोला बाजार से आप आलू लेके आओ, ठीक है, लेकिन आपने गोभी लेके आ गया, ठीक है, तो इससे कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको जो बोलता है उस हिसाब से ना आप काम करोगे। आपको यहाँ पे एक्स एक्स दिया है, एक्स के फॉर्म में दिया, एक्स का मान निकालना है, आपने निकाल दिया वाई का मान। ठीक है, तो अब यहाँ यानी कि अभी बात खत्म नहीं हो, इससे आगे बनेगा। तो आप गौर करो, इजी है, ठीक है, आप एक्स का मान निकालना है तो आप क्या करो, ये जो दोनों मान है ना इसमें पुट कर दो, यहाँ पे आपने माना था ना इसमें पुट कर दो। तो पुट करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक लेना और लिखना पड़ेगा कि नाउ, यहाँ पे नाउ पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, नाउ पुटिंग वाई इज़ इक्वल टू इतना एंड इतना आर इक्वेशन ए। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा टीचर को, आप बोलिएगा कि आप पीछे पेज उठा के देखिए, ऐसे तो नहीं ना बोलेगा, आपको टीचर को बोलना पड़ेगा कि आप किस में मान भर रहे हो वाई का। अब इसमें भरे तो इसको आपको कुछ नाम देना पड़ेगा, कुछ भी दे सकते हैं आप, समीकरण एक या डिजिट में दे सकते हो, ए दे सकते हो, कुछ भी, आम कटहल लीजिए, कुछ भी मान सकते हो, व्हाटएवर। अच्छा, चार एक्स बराबर वाई हो गया यहाँ पे। अब कुछ भी स्टेटमेंट बना के अपना खुद लिख दो, खुद से पुटिंग वाई इज़ इक्वल टू टू एंड वाई इज़ इक्वल टू इतना, तो एक बार लिख दे तो हो गया ना, पुटिंग वाई इज़ इक्वल टू टू एंड एक बट्टा दो आर इक्वेशन इतना। ठीक है, आर इन कुछ भी अपना, ये सब अपना अपना मन के मर्जी, कुछ भी होना था कुछ भी लिख दो। यानी कि इसका हिंदी हुआ समीकरण ए में वाई का मान दो तथा एक बटा दो रखने पर जो मन होता है वो लगा दो को ऐसे आर लगा दे, या आपका डू योर सेल्फ हो गया, आप अपना हिसाब से सेटिंग करके लिख दो ना, लैंग्वेज बना के डू योर सेल्फ हो गया। अच्छा, आप यहाँ पे देखो ये हो गया, ये था, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ पे लिखे तो बार बार लिखेंगे तो खराब लगेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे चार का पावर एक्स दे दो, वाई का मान बारी बारी से करो, यहाँ पे पहले लिख दो केस वन, दो माना है ना केस वन, तो पहले आप यहाँ पे वाई बराबर दो लिख दो, लिख दो केस वन में इफ लिख दो, इफ वाई इज़ इक्वल टू टू, यानी कि मेरे कहने का मतलब है दो केस हुआ ना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो वैल्यू निकलता है आपको, दो वैल्यू निकला तो केस वन में अपने वाई बराबर दो रखो, तो इफ वाई बराबर दो तो देन या इसलिए या आगे बना देंगे, वाई का मान दो हो गया। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत, अब यहाँ पे देखो बराबर दे दो, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करो, ये चार है तो चार को आप कैसे लिख सकते हो, टू का स्क्वायर लिख सकते हो, चार को ऐसे लिख सकते हो, दो गुने दो टू का स्क्वायर या दो गुने, तो एक ही बात है। एक्स का यहाँ पर चिपका दो, दो दे दो, फिर देखो यहाँ पे गुना में पावर जुड़ता है तो एक है तो यहाँ पे क्या हो गया, दो का पावर, तो अभी बताया स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पे ये चिपका दो, फिर यहाँ पे दो दे दो। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत, फिर देखो यहाँ पे एक रूल होता है, यहाँ पे एक रूल क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक रूल होता है, ए का पावर एम होता है, ठीक है, और एन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए का पावर एम एन होता है कि नहीं होता है, इस हिसाब से एक रूल होता है ना। देखो ये पाँच होता है, ये एक्स होता है, यहाँ पे मान जो वाई होता है, तो पाँच दोनों को गुना किया जाता है, एक्स को वाई से गुना किया जाता है, तो क्या होता है ये पाँच एक्स वाई होता है। ठीक है, पर यहाँ पे तीन होता है, दो होता है, तो यहाँ पे फिर पाँच होता है, तो तीन दोनों को गुना करके दस होता है। ये किस रूल के अंतर्गत आता है, ये इस रूल के अंतर्गत आता है, ए का पावर एन और एन, तो क्या होता है ए और एम एन, यहाँ पे कुछ नहीं दो तो गुना है, इसे ये रूल को यहाँ पे चिपका डालो, तो दो है, तो देखो दो को एक्स से गुना किए तो देखो एम को एन से गुना किए तो एम एन, तो दो को एक्स से गुना किए तो दो एक्स, ठीक है, बराबर दो। अब देखो बेस सेम है, आधार सेम है, यहाँ पे देखो आधार सेम है, तो आधार सेम है तो ये वाला दो से ये वाला दो क्या हो गया, कट जाएगा, दोनों में दो ही दो है ना, ऐसा होता है, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, यानी कि
पाँच का पावर तीन रे है, ठीक है, और पाँच का पावर मान लीजिए वाई रे है, तो ये जो एक एक जैसा है तो दोनों कर सकता है, तीन बराबर वाई, तो इसलिए वाई बराबर तीन। टेंशन नहीं है, आपने कहा सर साइन कहाँ बदला, देखिए तो फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए साइन नहीं बदले, वाई बराबर किधर जाएगा तो माइनस, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, दोनों तो कट ही जाएगा, तो बात बराबर हुआ ना, तो इसलिए अपने लोग जब दोनों को पलटा पलटा पलटी करते हैं तब तो नहीं साइन बदलते हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, दो एक्स बराबर क्या हो गया, एक हो गया। तो अब बताइए कि एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचा करेंगे, ठीक है, तो यह तो अपने लोग को एक आंसर हो गया, एक बार तो आ गया। अच्छा फिर देखिए केस टू में क्या करेंगे, इफ इफ वाई इज इक्वल टू वन बाय टू, ये तो गया ना, या तो कोई दिक्कत। अच्छा ये दोनों कट गया, टू एक्स बराबर वन, एक्स का मान एक बटा टू, जूनियर वाला चीज़ आ गया अब यहाँ से छठा सतमा का, इफ वाई इक्वल टू वन बाय टू, तो फिर क्या करेंगे, चार एक्स बराबर वाई, इसी में मान भरेंगे, क्योंकि आपने पहले यहाँ पर लिख दिया है कि वाई का मान दो और एक बटा दो, दोनों आप इसी में भर रहे हो, ये तो नहीं लिखा है यहाँ पे अलग अलग एन देखे और कुछ, यही में दोनों मान को डालेंगे भरेंगे, तो वही आप यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा चार का पावर एक्स दे दो, अच्छा फिर यहाँ पे क्या दे दो, वाई है, तो वाई का मान क्या क्या आया यहाँ पे, ये देखो क्या आया, एक बटा दो आया, तो यहाँ पे क्या दे दो, एक बटा दो दे दो। अच्छा अब देखो ये चार एक्स है ना, तो इसको आप ऐसे करके बनाओ, ठीक है, तो मैं आप उतना मेहनत नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कट मारूंगा, टू का पावर टू दे दूंगा, एक लाइन क्यों बना के फायदा। अब यहाँ पे आप देखो एक बटा दो है, ठीक है, एक बटा दो को आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने बताया था ना, देखो मैंने मैंने बताया था, क्या बताया था कि एक बटा पाँच है, तो इसको पाँच का पावर माइनस एक लिख सकते हो, ठीक है, सात बटा दो है, तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो इस टाइप का, पास में ना, तो फिर देखो माइनस हट गया, तो एक नहीं ये तो ये मेरा थोड़ा गड़बड़ा गया, थोड़ा मेरा गड़बड़ा गया इस टाइप का, देखो ये यहाँ पे सात बट्टा दो है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर नीचा करोगे ना ऊपर नीचा, तो माइनस एक लगा सकते हो, तो ये कर सकते हो, तो ठीक उसी प्रकार एक बट्टा नौ है तो नौ का पावर माइनस एक कर सकते हो, तो वही यहाँ पे लगाए, तो वही है एक बट्टा दो है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर आप इसको ऐसे तोड़ेंगे, दो बट्टा माइनस एक को तोड़ेंगे तो एक बट्टा दो आ गया, इस हिसाब से। अच्छा फिर यहाँ पे यही वाला रूल यहाँ पे लगा दो, दो का पावर एक्स, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ऐसे करके उतार दो ये, अब देखो दोनों का क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, कट गया, तो बराबर तो दो एक्स आ गया, तो माइनस एक आ गया, ठीक है, तो इसलिए एक्स बराबर माइनस एक ऊपर चला गया, दो नीचे आ गया, हो गया। अब यहाँ पे एक फाइनल रिजल्ट लिख दीजिए, हेंस द वैल्यू, ये लिखना बहुत ज़रूरी है लास्ट का, ठीक है, नहीं तो कुछ नंबर कट जाएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिए, एक बटा टू एंड माइनस एक बटा दो, इसको बोल्ड कर दीजिए, बोल सही, अब इसको सजा दीजिए, डेकोरेशन करना है जो करना है वो कर दीजिए, सजा दीजिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, दो का वैल्यू निकला, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्वेश्चन, हाँ इसका मतलब क्या हो गया, दो वैल्यू निकला ना, इसका मतलब हो गया ये वैल्यू एक्स का दो वैल्यू निकला, कौन कौन, एक बटा दो माइनस एक बटा दो, ये वैल्यू इसके जगह बराबर हो गया ना, तो हमें क्या दे देगा, दस दे देगा, यानी कि एक तराजू है, इस तराजू के में किधर है, दस है, तो इधर भी आपको तोड़ तार के क्या आ जाएगा, दस आ जाएगा बराबर दो, तो कितना वैल्यू एक्स के जगह पर देंगे तो हमें दस देगा, दो वैल्यू, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, आप बहुत अच्छा से सीखे होंगे, आपको इतना टाइम लेके नहीं बनाना, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनाने के में 5 मिनट बहुत हो गया, इतना अच्छा से नहीं, मतलब नहीं बनाना, आपको जल्दी जल्दी में बनाना है, कलम तोड़ के लिखना है, फास्ट में लिखना है, ठीक है। तो मैंने अच्छा से एक्सप्लेन किया, कुछ बातें भी की, एक्स्ट्रा बातें भी की, एक्सप्लेन किया, तो इसलिए हमको इतना टाइम लग जाता, आधा आधा घंटा, ठीक है, आपको इतना आधा आधा घंटा अगर एक ही क्वेश्चन लिखाइएगा तब तो चार ही क्वेश्चन हो जाएगा, तब तो ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। टेंथ में ऐसा नहीं होता है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, बहुत ही कम समय रहता है, आपको तो लगता है कि आधा घंटा 1.5 घंटा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब बनाने बैठोगे ना अच्छा से तो आपको वो समय कम पड़ जाएगा, तो आपको जल्दी जल्दी बनाना है, 5 मिनट बहुत हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए, मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए कि चैनल से जुड़ने का, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको किस विषय से माय से रिलेटेड जो भी वीडियो देखना है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।